हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एमसीक्यू का पार्ट 3। इसके पहले हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस किया है जिसमें भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया गया है। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार आर्टिकल 2 के द्वारा दिया गया है, अनुच्छेद 2 के द्वारा। तो साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? आर्टिकल 1 हमारा क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब जब राज्यों का संघ होगा तो नए राज्य भी बनाने पड़ेंगे। तो अनुच्छेद 2 में क्या है हमारा? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अब अगर कोई राज्य बन गया है तो उसकी एक लिमिटेड क्षेत्र भी होगा, सीमा भी होगी। और कुछ लोग क्या करेंगे, अगर कोई राज्य है तो उसके नाम में परिवर्तन भी करना चाहेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? आर्टिकल 3 में। राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या भागों के नाम में परिवर्तन करना या किस में है? आर्टिकल 3 में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको याद है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और घुमा के आपसे पूछूंगी, देखती हूँ कि आपने इसको डिटेल में पढ़ा है कि नहीं। पहले तो बताइए कौन कौन से शब्द हैं। ऑप्शन है हमारा समाजवाद, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज पढ़ के ही लग रहा है कि ये तो नहीं है। फिर हमारा पंथ निरपेक्ष, एंड फोर्थ है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आपके हिसाब से इसमें क्या होगा? इसमें देखिए हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी नहीं है। सिर्फ 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1976 में। तो सही आंसर क्या है हमारा? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। अब आपको लग रहा होगा कि आप लोग बहुत जीनियस हैं, आपने अगर इसका आंसर बता दिया, अगले क्वेश्चन का मेरे आंसर दे दीजिए, तब बताइएगा कि आप लोग जीनियस है। कौन से पैरा में जोड़ा गया है? ये जो 3 वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं, तो ये कौन से पैरा में है? देखिए, जो पहले 2 वर्ड हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये पैरा 1 में जोड़े गए हैं। कौन सा पैरा है? पैरा 1। एंड उसके बाद जो और अखंडता शब्द है, इसको जोड़ा गया है पैरा 6 में। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर डिफ़िकल्ट करना होगा तो यही मैक्सिमम पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो आपके हिसाब से गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, आप बताइए। पढ़ते हैं ऑप्शन को, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास हो, नहीं। भारत में संसदीय शासन नहीं है, बिल्कुल नहीं। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसी को कहा जाता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? कि वंशानुगत शासन ना हो। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या क्या चीज़ें सुनिश्चित करना है इसमें? भारत अपने संविधान के माध्यम से जो उसके नागरिक है उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ देने की बात किया, और उद्देशिका में किन किन बातों का विवरण किया गया है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों बातें कही गई हैं। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही बात है। अवसर की समानता, ये भी सही बात है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ये सभी चीज़ें भारत अपने संविधान के माध्यम से अपने नागरिकों को देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। हम भारत के लोग शब्दों से। सार्वभौमिकता का मतलब सीधे क्या है? हम सभी लोग, वही तो हुआ ना सार्वभौमिकता। तो हम भारत के लोग शब्दों से भारत में लौकिक सार्वभौमिकता का बोध होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। तो इसमें हमारा क्या है, कौन सा सही है? तो यही हमारा सही आंसर होगा। क्यों, कैसे सही होगा आप बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया कि इसको जोड़ा गया था, जो 42 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 1976 में। तो किसी भी पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कब आया? 1976 में आया। तो 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें ये शब्द नहीं थे। और अब तक संविधान हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार चेंज किया गया है। और ऐसा कहा गया है कि जो प्रस्तावना के मूल शब्द हैं उनसे छेड़खानी नहीं की जाएगी, उसमें चीजों को ऐड किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी लाइन को या किसी वर्ड को आप वहां से हटा दो। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो आपके हिसाब से इसमें क्या होगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यही तो होगा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो आइए पढ़ते हैं। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्देशिका। तो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जो है या किसके द्वारा बनाया गया था, पंडित नेहरू के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, पंडित नेहरू ने ही इसको लाया था। उसके बाद है हमारा, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। इसके अलावा है हमारा तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसमें संशोधन तो किया, ठीक है। अगला है हमारा कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो बिल्कुल सही बात है। हमारा सही आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4, ठीक। इसमें क्या है, 1, 2 और 4। संशोधन का मतलब क्या है कि उसमें से पुरानी चीज़ों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन नई चीज़ों को अगर ऐड करना है तो उसको ऐड किया जा सकता है। और अब तक उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था, तो उसमें कौन कौन से शब्द थे? तो तीन वर्ड आप याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपको जिसमें भी ये तीनों मिले उसको तुरंत काट दीजिएगा, ठीक। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि इसमें क्या चीज़ें थी। अच्छा, इसमें पूछा है क्या चीज़ें थी, पढ़ते हैं इसको। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, ये तीनों। देखिए इसमें क्या है, धर्मनिरपेक्ष जो कि बोला ही नहीं गया है। अब इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें दिया गया, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, और तीसरे में बात करें तो देखिए धर्मनिरपेक्ष दे दिया है, ठीक है, और समाजवादी भी दे दिया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। एक बार मैं आपको संविधान की जो प्रस्तावना है वो पढ़ के सुना देती हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सुनिए इसको, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यही देखिए छठा पैरा है जिसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो करके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कौन सी तारीख मेंशन किया गया, इसको कब अंगीकृत किया गया है, तो यही हम लोग बताते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला हमारा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, ये कौन सी बात हुई, अभी हमने पढ़ा तो सामाजिक समानता तो है। दूसरा हमारा कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, अभी भी नहीं विद्यमान है,
अभी सिर्फ संविधान में लिखा गया ये चीज़ें, अगर संविधान में लिखी सारी चीज़ें लागू हों और लोग इसको फॉलो करें तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, लेकिन अभी भी ये प्रैक्टिकल लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं है। अगला हमारा सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव कौन सा व्यक्त करता है, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। देखिए सही तो सब है, लेकिन हमें क्या करना है, जो सबसे अच्छा आंसर हो हमें वो चूज़ करना है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग तो रहते हैं लेकिन राज्य का या भारत देश का कोई अपना धर्म नहीं है, वो सबको अपनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अखंडता, अखंडता को छठे पैरा में जोड़ा गया, बार बार इसको रिपीट करते रहिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और पहले पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को ऐड किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, फिर वही आ गया, समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, तो इसमें हमारा सही आंसर है प्रभुता संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। देखिए पर्टिकुलर ये वर्ड नहीं है, इसका किसी और वर्ड से इसको डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो लोक कल्याण शब्द हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूँगी क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इसको मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर देती हूँ। देखिए दो महत्वपूर्ण वाद थे, एक तो 1960 में हुआ था हमारा बेरुवादी वाद और दूसरा हुआ था हमारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक चीज़ याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन करने से पहले के ये दोनों ईयर हैं 1960 एंड 1973, तो दोनों को याद रखिएगा क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कब चेंज किया गया था, 1976 में। अब इन दोनों वाद को पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि जो बेरुवादी वाद हुआ था 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का अंग नहीं है, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये तो सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, अगर यह एक सिर्फ प्रेरणा का स्रोत है, इसके ना रहने से संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यह स्टेटमेंट किसका था, बेरुवादी में था, सुप्रीम कोर्ट का। बट अगला जो केस होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, इसमें सुप्रीम कोर्ट अपने जो निर्णय इसने दिया था उसमें इसको बदलते हुए कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 137 के द्वारा यह राइट है कि वह अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और बोला कि संविधान का अभिन्न अंग है उद्देशिका, तो संविधान का अभिन्न अंग है, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे के अलावा, इस चीज को याद रखिएगा। और इसके लिए 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच बनी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये दोनों केस के बाद, तब 3 साल बाद 73 में ये केस हुआ और जब ये कहा गया कि मूल ढांचे के अलावा चेंज किया जा सकता है, उसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता, तो फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये पहला और आखिरी अमेंडमेंट था। ठीक, तो आइए अब बात करते हैं कि उद्देशिका संविधान का भाग है या किसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपके हिसाब से अब बताइए कि सही आंसर क्या होगा, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, संसदात्मक सरकार, अध्याचात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार, तो इसमें हमारा सही आंसर होगा अध्याचात्मक सरकार। ठीक है, अध्याचात्मक अगर हम लोग सरकार की बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व, किसी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा है, इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, संप्रभुता होगा हमारा सही आंसर, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संप्रभुता। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो एक बार मैंने आपको बता दिया था और आप पढ़े भी होंगे संविधान की प्रस्तावना को, उसमें से आपको इसको बताना है। पहला है हमारा भारत गणतंत्र, तो गणतंत्र तो सबसे पहले है नहीं। सबसे पहले मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें मैंने बताया था कि हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, सार्वभौम। ठीक है, सार्वभौमिकता भारत में है या कहाँ से डिनोट होती है? तो जो पहली लाइन लिखी गई है हम भारत के लोग, यहीं से भारतीय संविधान की सार्वभौमिकता को डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहला वर्ड आप क्या खोलेंगे, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। उसके बाद हमारा क्या है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, जनवादी है, एंड देन क्या है हमारा, गणतंत्र है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बताता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो यह बताता है संविधान की प्रस्तावना के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। और इसके लिए लेकिन जो वर्ड यूज़ किया गया वो क्या है, वह है पंथ निरपेक्ष। इसको याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष वर्ड संविधान की प्रस्तावना में नहीं यूज़ किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक मर्यादाओं के अधीन रहकर किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, कहाँ पे किया गया है उनकी व्याख्या को? तो उनकी व्याख्या को किया गया है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों एवं सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में। जो आदर्श और उद्देश्य हैं वो इसमें दिए गए हैं। ठीक, और बाकी इन तीनों टॉपिक को मैंने अलग अलग आपको पढ़ाया है, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके इनको पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। फिर हमारा 26 नवंबर 1919 को जो संविधान हमने अंगीकृत किया था उनमें कौन से शब्द नहीं थे? तो जल्दी से बताइए कौन सा नहीं था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो सही हमारा क्या होगा, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, अगला हमारा, संविधान में दिया गया आमुख क्या है? इसमें से न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों से उल्लिखित है और संविधान क्या है, कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। देखिए संविधान में बहुत सी चीज़ें ऐसे दी हैं जो कि न्यायालय द्वारा फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक को छोड़ करके बाकी सब होगा 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। इजी क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में पैरा 1 में दो वर्ड जोड़े गए हैं एंड पैरा 6 में अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं यह सिद्धांत जाना जाता है, किस रूप में इसको जाना जाता है? तो सार्वभौमिकता के रूप में इसको जाना जाता है। अगला हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? ये सब तो इजी है, कई बार आप सबका रटा रटाया है, जल्दी से बता दीजिए। तो पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कौन सा उदाहरण से प्रभावित हुए? निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण से प्रभावित हुए हैं? तो देखते हैं कौन सा उदाहरण है इसके लिए, वह हुए हैं आयरलैंड के। ठीक है, कौन सा है हमारा, आयरलैंड के उदाहरण से प्रभावित हुए हैं। राज्य का नीति निदेशक तत्व तो हमें कहाँ से मिला है, आयरलैंड से मिला है, तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो यह देन है भारत की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्ट चीज़ों को लिया गया है, किस देश से राज्य के नीति निदेशक तत्व को लिया गया है? तो अभी मैंने बताया आयरलैंड से लिया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया गया है? तो इनमें जो समान रूप में पाया गया वो संविधान के लिए निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है ये दोनों में कॉमन पाया गया है।
ठीक, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है, एंड साथ ही साथ आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट रेडी किए जाते हैं तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक। और साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट examtrends.net से, जिसका वीडियो भी मैं आपको डेली 5 AM पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।